ये समाज विरोधी और जन विरोधी निर्णय है। ये बेहद ही खतरनाक जो है मोड़ पर राज्य को लाने का काम किया गया है। यहाँ से हेमंत सोरेन जी आते हैं, जिस जिला से राजनीति करते हैं उस जिले का भी कई गांव में सर्वे नहीं हुआ है। बताएं किस 1932 के विषय में किसे राय मशविरा लिए, किस सामाजिक संगठन से लिए, किस राजनीतिक दल से लिए। इतना संवेदनशील विषय, जबकि इससे पहले कितनी सरकार, इनके पिताजी भी यहाँ के मुख्यमंत्री रही, और ऐसा शासक हम लोग को नहीं चाहिए जो हमारे खिलाफ में निर्णय ले। केंद्र तक मामला जाएगा ही नहीं कि राज्यपाल ही इसको खारिज कर देंगे। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हमारे साथ कैलाश यादव जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कुछ 1932 खतियान के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। सर, क्या लगता है आपको 1932 खतियान का जो निर्णय लिया गया है, क्या वो जल्दबाजी में लिया गया है? निश्चित तौर पर बहुत ही बचकाना निर्णय है। ये समाज विरोधी और जन विरोधी निर्णय है। ये बेहद ही खतरनाक जो है मोड़ पर राज्य को लाने का काम किया गया है। इस समय लाने का काम किया जब राज्य एक विकास के धरातल पर, एक पैमाने पर अपना मार्ग जो है कि प्रशस्त कर रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन जी अति उत्साहिता में, अफादाफी में अपनों के साथ साथ यहाँ लोगों को भी जो है कि परेशान करने का काम किए हैं। इसलिए इस निर्णय का हम लोग कड़े तौर पर विरोध करते हैं और निंदा भी करते हैं। इसलिए निंदा करते हैं कि 1932 खतियान आपने लाया, आप अपनी पहचान की बात करें, लेकिन आप 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति लाया, ये कैसे हो सकता है? कतई संभव नहीं है। जबकि राज्य में अभी भी अंतिम सर्वे का सेटलमेंट चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जहाँ से हेमंत सोरेन जी आते हैं, जिस जिला से राजनीति करते हैं उस जिले का भी कई गाँव में सर्वे नहीं हुआ है। अभी आप देखें कि मधुकोड़ा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ 1965 में सर्वे हुआ, अंतिम सर्वे, तब खतियान बना। वहाँ 50 लाख जो है कि विस्थापित लोग हो रहे हैं। तो सरकार का काम है लोगों को बसाना, उजाड़ना नहीं। आपकी जो मानसिकता है, मैंने मानसिक तौर पर हम लोग आप विस्थापित कर दिए। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, इसे बड़े शहर में आप लाखों लाख करोड़ों की आबादी में लोगों को जो है कि एक तरह से विस्थापित कर दिए, जिसको सरकार से सुविधा नहीं मिलेगी, जो सामान्य और तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में जो जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जिनको यहाँ नौकरी नहीं हो सकेगा, उस राज्य में रहने का अस्तित्व क्या है? आप सीधे तौर पर बाहरी भीतरी किए हैं और गैर झारखंडी करार दिए हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री होकर आरा, बलिया, छपरा, सीवान, बिहार, यूपी बोलते हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप बाहरी बोलते हैं, अब जो है कि घुसपैठिए बोलते हैं। ऐसे लोग अगर राज्य के मुखिया बनेंगे तो उस राज्य का लोगों में क्या भावना रहेगी, आप समझ सकते हैं। हम लोग तो सोचे थे कि महागठबंधन के नेता बने हैं, सबकी राय मशविरा से काम करेंगे। ये बताएं कि 1932 के विषय में किसे राय मशविरा लिए, किस सामाजिक संगठन से लिए, किस राजनीतिक दल से लिए। इतना संवेदनशील विषय, जबकि इससे पहले कितनी सरकार, इनके पिताजी भी यहाँ के मुख्यमंत्री रही, अपने भी पहले थे 2014 में, उस समय समन्वय नहीं बन पाई थी। पूर्ववर्ती सरकार रघुवर जी भी बनाए थे 1985 कट ऑफ डेट। आप जो है कि चाहते क्या हैं? 1932 के नाम पर राज्य में कितना खून खराबा कराना चाहते हैं आप? कितना जो है कि राज्य को तबाही करना चाहते हैं? इसका मकसद स्पष्ट है कि आप नहीं चाहते हैं कि राज्य विकास के पैमाने पर जाए, राज्य विकास की गति पकड़े। आप सीमित लोगों के विषय में सोचते हैं, जबकि आप 3.5 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं। ये भूल गए कि हम 3.5 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री हैं। इनको लगता है हम कोई सीमित वर्ग और सीमित समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे लोगों से अब जनता जो है कि सावधान होने की कोशिश कर रही है, और ऐसा शासक हम लोग को नहीं चाहिए जो हमारे खिलाफ में निर्णय ले। सर, पूछना ये था मुझे कि 1932 खतियान में क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार इसको स्वीकृति देगी? केंद्र तक मामला जाएगा ही नहीं, हम लोग का ऐसा अनुभव है। चूँकि निश्चित तौर पर यह कानून सम्मत नहीं है, ये विधि सम्मत नहीं है, इसलिए नहीं है कि 1932 को लेकर पिछले बार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने प्रयास किया था, राज्य की जनता ने भी खारिज किया, राज्य पूरा आंदोलित रहा, कितने लोग जान चले गई आंदोलन में, और अंततः जो है कि संविधान के खिलाफ कानून मानते हुए इसको जो है कि विधि सम्मत जो है कि बोला कि यदि खारिज कर दिया, और बोला किसी सूरत पर जो है कि आप किसी भी जनता के खिलाफ में कोई निर्णय ले सकते हैं। जब राज्य का बंटवारा हो गया तो यहाँ के रहने वाले लोग सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर, किसी क्षेत्र विशेष पर
किसी इशू को लेकर, एक इशू को लेकर पूरे राज्य में आप कानून नहीं बना सकते हैं। ये संविधान अलाउ नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो है कि किसी तरह स्टैंड नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि राज्यपाल ही इसको खारिज कर देंगे। मेरा अपना जो अनुभव है, ये केंद्र तक मामला जाएगा ही नहीं गा। जब विधि सम्मत नहीं रहे तो केंद्र अनुशंसा कैसे करेगी? और अभी तो विधानसभा में जाना है। हम लोग देखना चाहते हैं जो जिसको गैर झारखंडी माननीय मुख्यमंत्री ने करार दे दिया कि जो इस भाषा से 1932 से नहीं है वो गैर झारखंडी है, तो ऐसे लोग कौन इनमें वोटिंग करेंगे? ये भी हम लोग देखना चाहते हैं विधानसभा के सत्र में। और कौन लोग राजहित में, जनहित में सवाल उठाते हैं, ये भी हम लोग आँख फाड़े बैठे हुए हैं। उसके बाद हम लोग का देखिए अभियान और रोल क्या होता है राज्य में। आने वाला समय राज्य अशांति की ओर जाएगा निश्चित तौर पर। एक फिर जो है अलग नव निर्माण राज्य के मांग होगा, और अपने सम्मान के लिए जो भी कदम उठाना होगा राज्य की जनता जो है कि जो विद्रोह करेगी, और विशुद्ध जनता मांग उठाते रहेगी। कोल्हान के बारे में आप क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे, जो कोल्हान के जो क्या बोलते हैं, जो धरती पुत्र हैं, वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, जिनकी पत्नी वहाँ के सिंहभूम से सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट बोला कि कोल्हान 1964-65 में अंतिम सर्वे हुआ, और वहाँ पर जो है कि करीब 50 लाख की आबादी जो है इसे जो है इस लाभ से वंचित हो जाएगी। जब आप 1932 को अंतिम सर्वे मानिए तो 1964-65 वाले को कहाँ से होगा? बोलो तो बेकार हो गए। दूसरा जो है, कांग्रेस के जो वहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं जमशेदपुर के, जो भी कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व IPS रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उन्होंने भी विरोध किया है वहाँ पर जमशेदपुर में, और बताया हकीकत से कि सरकार जो है कि ऊहापोह में जल्दबाजी में निर्णय ली है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कई जिला के पार्टी के अध्यक्ष इन लोग कर रहे हैं, और हमको सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो राजद और कांग्रेस पर है। आप सहयोगी दल हैं, आप अपने लोगों से विचार विमर्श नहीं किया। आप कैसे विचार विमर्श किया? आपको खुद मौका नहीं दिया इस सरकार बात करने का। हम पूछना चाहते हैं क्या इस सरकार की स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई थी? तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुखिया से, पार्टी के नेताओं से वार्ता की, और उस पार्टी के लोग अपने कार्यकारिणी से सलाह विचार किए कि 1932 का इशू आ रहा है, आप लोग सब लोग समर्थन में कि नहीं है? तो इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है जनता के साथ में, ये जनहित में नहीं है, जन विरोधी निर्णय है, राजहित में नहीं है। जिस राज्य से आधा आबादी को आप ख़त्म करने का साजिश कर रहे हैं, जो बसा बसाए लोग है उसको आप विस्थापित कर रहे हैं, हर चीज़ से, हर उसके सुविधा से विस्थापित कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस राज्य में जो है कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए, और ऐसा शासक नहीं चाहिए जो राज्य को रसातल में ले जाए विकास करने के बजाय। हमको तो लगा था जितनी बड़ी बड़ी इन्होंने लकीर खींचते थे, बोलते थे महागठबंधन में, लोग इसलिए समर्थन नहीं दिया था, हम लोग वोटर हैं उनका, हम लोग इसलिए दिए थे कि सबका भविष्य को उज्ज्वल करेंगे। आप तो अंधकार में डाल दिए, अस्थायी रूप से जो है कि सूर्यास्त कर दिए। हम लोग एक नया सवेरा, एक नया सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने इसको नष्ट कर दिया। और जब आपने छेड़ ही दिया है तो अब जो है कि देखा जाएगा, अब जो जनता जनार्दन चाहेगी वही होगा, और इसके लिए जन संग्रह होगा, इसमें पीछे कोई नहीं हटेगा। हमारे इसे कई लोग इसमें आएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। और जैसा लोगों में चर्चा है, अभी धनबाद से कल कुछ लोग हमसे बात किए, वहाँ के जो विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह ने, उन्होंने स्पष्ट विरोध किया। वहाँ के सांसद BJP के PN सिंह, उन्होंने विरोध का स्वर किया। आज बाबूलाल मरांडी जी ने बयान दिया है कि जो मधु कोड़ा जी बोले हैं सही बोले हैं, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में जो 2/3 बहुमत लोग आबादी है, वो लोग रहने वालों का क्या होगा, जिसके चलते झारखंड की पहचान बोली, औद्योगिक पहचान बनी, आर्थिक पहचान बनी, झारखंड की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, माइंस मिनरल्स जो है कि बड़े पैमाने पर इसका जो है कि आपको जो है कि संचार हुआ, और आप वैसे लोगों को दरकिनार करके राज्य चलाना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव है आप ही बताइए। एकीकृत बिहार से झारखंड हुआ है, ना कि जो है कि आप झारखंड से बिहार को किए हैं, तो आप जो है कि सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लालू यादव ने बोला था कि हमारे लास्ट पर झारखंड बनेगा, क्यों बोला था? वो जानते थे कि ऐसे लोगों के साथ में बाद में अन्याय हो सकता है, तो ये लड़ाई जो है न्याय और अन्याय के खिलाफ है। तो हम लोग अन्याय के खिलाफ में बिगुल फूकने का कल से शुरुआत कर रहे हैं, और एक महामंच की तैयारी हो रही है। नया उद्घोष होगा, नया जय घोष होगा, कल से हम लोग का जंग ऐलान शुरू होगा। अब जनता का समर्थन लेंगे और हम लोग जो है कि इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जब तक एक मामला खारिज नहीं हो जाएगा 1932, तब तक हम लोग का जन आंदोलन जारी रहेगा। जितना भी सक्षम संस्थान है हम लोग वहाँ तक जाएंगे, चाहे न्यायालय में भी क्यों नहीं जाना पड़े।
जीएन भारत को अपना कीमती वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया आपका भी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।